नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके साथ समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। इसके लिए मैदा लेंगे, उसमें एक चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच अजवाइन क्रश करके डालेंगे। हाथों से क्रश करके डालने से इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। मोयम के लिए घी डालेंगे। हम जितना मैदा लेंगे उसका एक चौथाई घी डालेंगे। इसे हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे। मोयम को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त आटा लगाएंगे। आटा नरम लगाने से सिंघाड़ा क्रिस्पी नहीं बनता है, इसलिए हमें सख्त आटा बनाना है। अब डो तैयार है। अब इसे हम 20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक ये रेस्ट हो रहा है, हम समोसों की फिलिंग्स तैयार करेंगे। इसके लिए पैन गरम करके उसमें तेल डालें। अब इसमें हरी मिर्च डालें। आपको जितना तीखा पसंद है आप उस हिसाब से हरी मिर्च डाल सकते हैं। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। आप चाहे तो अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। इसे थोड़ा चलाने के बाद इसमें हरा मटर डालें। इसे थोड़ा चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालें, करीब 2-3 चम्मच जैसा पानी डालें और फिर 2 मिनट तक मटर को पकाएं। मटर पकने के बाद इसमें अब हम मसाले डालेंगे। जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार। मैंने यह 1 चम्मच डाला है। इसे कुछ देर चलाएं। अब हम इसमें उबले हुए आलू को हाथों से तोड़कर डालेंगे। आलू को हमें बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है, हम इसके बड़े बड़े टुकड़े ही डालने हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। एक चम्मच आमचूर पाउडर डालें और भुने हुए बादाम डालें। इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह भूने। अब हम इसमें कटे हुए हरे धनिया पत्ते डालेंगे। इसे भी इसमें मिला लेंगे। अब हमारा फिलिंग तैयार है, इसे हम थोड़ा ठंडा करेंगे। 20 मिनट हो गए तो अब हम लोई तैयार करेंगे। एक छोटा सा इसका लोई निकालें, इसे गोल गोल करके प्रेस करें। हमें इसे अंडाकार बेलना है। इसे हमें हर तरफ बराबर बेलना है, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए। ये तैयार है तो अब हम इसे बीच में चाकू से कट कर लेंगे। इसका एक टुकड़ा हाथ में लेते हुए हम इसे कोन की तरह बनाएंगे। देखिए, इसके दो साइड्स को पहले हम पानी लगाकर चिपकाएंगे। पानी लगाने के बाद उसे लाइटली प्रेस करें। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे। सबसे पहले हम एक बादाम को उसके कोने में रखेंगे।
ताकि उसका कोना बना रहे। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे फिर फिलिंग्स भर दें, उसे थोड़ा प्रेस करें और फिर आप इसके चारों ओर पानी लगाएंगे और दोनों किनारों को दाबते हुए चिपकाएंगे। ये एक समोसा तैयार है, हम इसी तरह आप सारे समोसों को तैयार कर लेंगे। साइड से पानी लगाकर दो साइड्स को चिपकाएं। इसे अच्छी तरह चिपकाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये तेल में डालने के समय खुल सकता है और फिर इसमें तेल जा सकता है, और अगर समोसे के अंदर तेल घुस गया तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसी तरह बाकी पीसेस को भी तैयार कर लें। अब इन समोसों को हल्का गर्म तेल में डालें। हमें इन्हें गोल्डन होने तक तलना है। जब एक साइड हो जाए तो हमें इसे पलटा भी लेना है। कुछ देर में ये रेडी हो जाएगा, इसे निकाल लें। अब हमारा समोसा तैयार है। आप इसे टमाटो केचप और हरी चटनी के साथ सर्व करें। ये बहुत ही क्रिस्पी और अच्छा बना है। आप वीडियो में दिए गए टिप्स और ट्रिक्स को जरूर फॉलो करें, इससे आपका भी समोसा अच्छा बनेगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।